पीएम नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी गुरुवार की शाम 7 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ 65 से भी अधिक 17 मंत्री शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में 5,000-6,000 लोगों के उपस्थित रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इस समारोह के और भव्य होने के कयास अभी से लगाए जा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही पीएम मोदी की तरफ से खास निर्देश मिले हैं कि समारोह को बहुत ही साधारण और गंभीर रूप से दिया जाए। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में होगा। मुख्य द्वार और मुख्य भवन के बीच एक भव्य रास्ता बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल राज्य के प्रमुखों और देश के शासन अध्यक्षों के औपचारिक स्वागत के लिए किया जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी शपथ लेंगे और उनके साथ उनके 70 से भी अधिक मंत्री भी शपथ लेंगे। इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रीत, दूसरी बार पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि ये समारोह भव्य होगा, लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि पीएम मोदी इस समारोह को बहुत ही साधारण तरीके से चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार भव्य समारोह के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ठीक उसके उल्टा इस बार बेहद सरल अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेना चाहते हैं। तमाम पाकिस्तान को छोड़कर जो श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, तमाम वहां से जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो या वहां के प्रधानमंत्री हो, उनको आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इसके साथ ही पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए बेहद उत्साह के साथ काम किया, बेहद जोश के साथ काम किया, जैसे कि पश्चिम बंगाल में कुछ कार्यकर्ता पार्टी के काम करते हुए जो है आहत हुए, चोटिल हुए या शहीद हुए, या ये कहा जाए कि वो मारे गए, ऐसे में उन परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ताओं को साथ ही देश भर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और राष्ट्रपति भवन में अभी से इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, पिछले 4 दिन से तैयारियां चल रही है और अब जो है लगभग तैयार है शपथ ग्रहण समारोह को की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बेहद टकराव के साथ लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब दिया, वो दोनों ही मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि ये उम्मीद अभी नहीं लगाई जा सकती कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है इस बारे में। जी प्रीत, क्या पीएम मोदी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल भी कल शपथ लेता नजर आएगा और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या बड़ी संख्या में मेहमानों का उपस्थित देखने को मिलेगा कल इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में देश भर के बड़े नेताओं को, पार्टी के बड़े दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया जाएगा विदेशों से इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे में ये भव्य कार्यक्रम होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है पीएमओ की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से, कि इसको बेहद सरल बनाया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम बेहद भव्य है और इसके अरेंजमेंट्स भी बेहद भव्य तरीके से किए जा रहे हैं। इसमें आप जो है विपक्षी दलों के कौन कौन नेता शामिल होते हैं ये देखने वाली बात है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अन्य जो पार्टियां हैं उनके प्रमुख इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं कि नहीं। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि कल राष्ट्रपति भवन में पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम पद के लिए शपथ लेंगे और साथ ही उनके साथ
बड़ी संख्या में देश विदेश से भी मेहमानों के पहुंचने की पूरी उम्मीद है और उनका पूरा मंत्रिमंडल भी कल शपथ लेगा।